ऐसे कहा जाता है कि हमारे जो स्टार्स हैं बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सबको सेट पर नचाते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन स्टार्स को नचाने की हिम्मत रखते हैं। और आज जो हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनमें से उन लकी में से एक है हु हैज मेड सलमान खान शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार एंड देयर लाइक्स डांस टू हर ट्यून एंड डांस वेरी विलिंगली। फ्रेंड्स प्लीज वेलकम डांस डायरेक्टर दैट इज कोरियोग्राफर पोनी वर्मा। पोनी जी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सो मच। कैसे लगता है जब आपको ये कहा जाता है कि यार दूसरों को स्टार्स नचाते हैं और आप उनको अपने इशारों पर नचा सकती है? बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। बहुत सारे लोग क्रेज करते हैं आर्टिस्ट यू नो कि दे आर वेरी ऑब्सेस्ड बाय एक्टर्स एंड स्टफ लाइक दिस एंड इट्स सो ग्रेट दैट वी कम एंड यू नो एंड दे लिसन टू अस सो इट्स अ गुड फीलिंग टू बी अ डायरेक्टर। मगर शुरुआत आपने कैसे की? आपको शुरू से बचपन से डांस का शौक था या डांस सिखाने का शौक था? व्हाट इज इट, हाउ डिड द इंटरेस्ट इन कोरियोग्राफी अराइज? ये दो चीज है। व्हेन आई लुक बैक एट माय चाइल्डहुड आई फील कि आई यूज्ड टू डांस, मतलब मैंने कभी डांस ट्रेनिंग किसी से ली नहीं है। अच्छा, मैं हाँ शौकिया डांस करती थी। मैं सिर्फ टेलीविजन पे अगर श्रीदेव का गाना आता था मैं उसको हूबहू करके दिखाती थी। सो डीप इन माय हार्ट आई ऑलवेज फील दैट सरोजी हैज बीन माय गुरु बिकॉज़ सरोजी यूज्ड टू कोरियोग्राफ मोस्ट ऑफ श्रीदेवी सॉन्ग्स। तो मतलब मैं हर गाना मिस्टर इंडिया से लेके या एक दो तीन अगर माधुरी का हो तो वो भी हूबहू हैज टू कॉपी इट। दैट वाज वेरी फेमस इन माय लोकैलिटी। सेकंड थिंग I had a teacher in me because मेरे घर की सारी दीवारें खराब हो जाती थी। मैं क्रेयन से मेरी टीचर की हूबहू एक्टिंग करती थी। मेरा पूरा दीवार खराब हो जाता था। My mom used to get so angry with me. So when I matched the both, dancing was in me because I've never learned dancing. मैंने कभी ट्रेनिंग किसी से नहीं ली आज तक। तो दैट डांसिंग एंड दैट टीचर टूगेदर बिकेम अ कोरियोग्राफर और डांस डायरेक्टर व्हाट वी से टुडे। कटथ्रोट कंपटीशन कितना है इस इंडस्ट्री में कोरियोग्राफी में? बहुत है, मतलब बहुत है कि मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट आई हैड टू बिग फिल्म्स एट चांदनी चौक टू चाइना एंड बिल्लू बार्बर। चांदनी चौक टू चाइना वाज अ बिग फिल्म बिकॉज इट बिकेम अ वेरी वेरी बिग फिल्म, बहुत फेमस फिल्म जब वो शुरू हुई थी। करेक्ट। और वॉर ऑफ ब्रदर्स प्रोडक्शन द फर्स्ट फिल्म यू नो हॉलीवुड कमिंग। बिल्लू बार्बर वॉज वन शाहरुख खान रेड चिलीज विद प्रियदर्शन एज माई फादर फिगर आई कंसिडर। तो दोनों में मुझे जहां एक्सेप्ट मतलब मुझे एक चूज करना था, दोनों के डेट्स एक जगह थे। एंड आई नो आई मिस करीना कपूर सॉन्ग मरजानी एंड दैट बिकेम अ सुपरहिट सॉन्ग एंड आई एम सो एंग्री यू नो मतलब दैट गोज टू समबडी एल्स। एंड तो लाइफ में एक वो होता है कि आपको दोनों पेट में है, तो एक तो कट थोड़ा कॉम्पिटिशन वैसे ही है कि आप ये गाना नहीं करोगे तो कोई और करेगा और वो गाना हिट हो गया तो मतलब यू आर इन लॉस एनीवेज। एंड हमारी लाइफ ऑल डिपेंड्स ऑन दैट वन सॉन्ग व्हिच मेक्स यू बिग। करेक्ट। यू टेक इट फ्रॉम अहमद जी और सरोज और एनीबडी और फराह खान, दैट वन सॉन्ग वी ऑलवेज लुक फॉर दैट वन सॉन्ग व्हिच मेक्स यू। तो आपके करियर में वो दैट वन सॉन्ग आया है या आना बाकी है? आई स्टिल कंसिडर इट शुड कम बट देयर आर कपल ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आई थिंक आई हैव पुट माय लाइफ इनटू इट। और अगर मुझे उसका क्रेडिट एज एन अवार्ड नहीं मिला है बट व्हेन आई सी द पीपल्स फीडबैक आई थिंक आई हैव गॉट इट। लाइक फॉर इंस्टेंस मेरे ढोल लव भूल भुलैया। करेक्ट। जहां विद्या बालन इज डांसिंग इन द होल क्लासिकल पोर्शन। करेक्ट। व्हेन एवरीबॉडी एल्स वाज डूइंग हिप हॉप एंड दिस एंड दैट आई वाज वेटिंग फॉर दैट वन सॉन्ग क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेरे टैलेंट का an इंडियन एंड वेस्टर्नाइज विच आई कंसिडर आई थिंक आई एम अ वर्सेटाइल कोरियोग्राफर only because I can do a western song, I can do an item song, I can do an Indian song like Mere Dholna jo Devdas aayi thi uske baad I think only Bhulbhulaiya aayi. Correct. aur bahut kam naam hai choreography land mein jo Indian karte hain aaj. Because I think we are going into more of a sensual and hip hop and we're taking more of western influence bahut hai hamare mein. To Mere Dholna which came you know which I have cried for that song aur Vidya Roy hai mere saath aur हर साल वो मुझे फोन करती है और हमेशा गाना सुनती है एंड शी कॉल्स मी एवरी ईयर एंड शी गिव्स मी वन गिफ्ट कि आप गुरु हो मेरे बिकॉज आई मेड हर डांस एज अ फर्स्ट सॉन्ग। करेक्ट। आई थिंक दैट वाज माय सॉन्ग बट स्टिल एज कमर्शियल मार्केट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट वन सॉन्ग। पोनी जी, किसी कॉमन पर्सन को अगर कोरियोग्राफी की क्षेत्र में आना है, करियर बनाना है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देगी? सबसे पहले तो आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, इज इट वर्थ इट? सेकेंडली क्या करना चाहिए, कैसे एंट्री लेनी चाहिए, कैसे बॉलीवुड का हिस्सा बन सकते हैं वो लोग?
आई सजेस्ट दैट वन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हैज टू बी अ वेरी गुड टेक्नीशियन बिकॉज मैं जब भी देखती हूँ कि माय वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफी सॉन्ग्स जो स्टेप्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप उसको किस एंगल से शूट करना चाहिए. ओके, यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट डांस और एक ही क्षेत्र में रहना है आपको तो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं. बहुत सारे कोरियोग्राफर्स अच्छे हैं बट उनका क्षेत्र एक ही है कि हम एक ही तरह की कोरियोग्राफी करते हैं. बॉलीवुड में उसका स्कोप नहीं चलता. यू हैव टू हैव अ सरोज खान एलिमेंट कि जो आपको धक धक करने लगा देगी, वही आपको एक दो तीन देगी, वही आपको मस्ती के गाने देगी, वही आपको मिस्टर इंडिया का आई लव यू देगी. तो आप ये कहती हैं कि अगर कोई आना चाहे और कोरियोग्राफी को अपना मेन प्रोफेशन बनाना चाहे, इट्स अ गुड फील. इट्स डिफिकल्ट बट इट्स अ गुड फील. इट्स डिफिकल्ट बट इट्स अ वेरी गुड फील. आपके इमीडिएट फ्यूचर में देयर इज गोइंग टू बी रियल गुड न्यूज इन योर लाइफ. आप शादी करने जा रही हैं एंड साउथ के बहुत जाने माने एक्टर हैं प्रकाश राज, उनसे शादी करने जा रही है. आई थिंक 24th August इज द बी डे. तो ये कैसे हुआ? बिकॉज आई हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ फिल्म्स इन साउथ. आपने उनको भी डांस सिखाया है. सो ही इज गेटिंग इनटू इट विद हिज आईज ऑल ओपन. यस, एंड ही टेल्स माय फैमिली दैट कि मतलब आपकी बेटी मुझे बहुत नचाती है. एंड so I made him dance too, and he's also a very well known producer down south. He's a well known actor, he's a well known writer. Mere khayal se 4 baar to national award mila hai. National award 4 times, I think about 6 times he's got Filmfare award. Apart from that he's got lot of state awards. So he's a very good human being. Hali mein Hindi film walon ne unhe wanted mein dekha, wanted mein dekha as a villain. Yes. And people have really liked and appreciated him for his work in Hindi. आपने गुजारिश के गाने कोरियोग्राफ किए हैं. गुजारिश के गाने ऐसा सुनने में आता है, we don't know the story, but ऐसा कहते हैं कि ऋतिक रोशन is on the wheelchair. तो आपने उसको wheelchair पर नचाया कि ऋतिक को नचाया ही नहीं है? हमारे जो गाने हैं वो जरूरी नहीं है कि म्यूजिक पे हम ऐसे ऐसे चार चार बिट के स्टेप कर रहे हैं, बट इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी बेस्ड सॉन्ग. बट डेफिनेटली ये हमारे एक्टर को या हमारा कैरेक्टर को ये एक पोर्शन से आगे कहानी को आगे लेके जा रहा है. एंड संजय बंसाली हिमसेल्फ इज अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. तो संजय ने सारे गाने ऐसे बनाए कि मतलब दिस इज द पॉइंट, अब उसकी जिंदगी में ये आने वाला है. एंड हाउ ही विल टेक इट अहेड विद द इमोशंस. तो इट्स नॉट कम्प्लीटली कि वो व्हील चेयर पे बैठा है. नहीं जी, ये इंटरव्यू इनकम्प्लीट होगा अगर मैं आपको ये आखिरी सवाल ना पूछूं. पोनी वर्मा, ये पोनी क्या नाम है और ये नाम कैसे पड़ा? आई नो, यू नो, पोनी इज अ पंजाबी नेम. पोनी इज बेसिकली व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज अ प्री मैच्योर बेबी. आई वाज 15 डेज अर्लियर. I show a lot of wrinkles on my body. You know, बच्चे होते जो नरिशमेंट अच्छी नहीं मिलती. Correct. तो मेरी मम्मी को बहुत स्ट्रिक्ट था कि आप उबला हुआ पानी पियोगे, उबले हुए चावल खाओगे, उबला हुआ दाल पियोगे, whatever. So I was undernourished child. Okay. मेरे wrinkles थे बॉडी में. एंड when I was born, my मासी, my mom's sister, she's a brat, पंजाबी brat, she took me on the hand. She took me in her hands. And हमारे में रोटियों को जिस कपड़े में व्रैप करते हैं, फोल्ड करके रखा जाता है, उसको पोनी कहते हैं. अच्छा, so this pony has nothing to do with horses. Nothing to do with horses. So my mom asked my masi, how does the baby look like? And my masi said, pony वर्गी है. Like, you know, she's like. So from there, pony ने दूध पिलाया कि नहीं, उसको कुछ खिलाया कि नहीं. तो ये आपका real name पड़ गया? No, yeah, it became a real, but my real name is Rashmi Verma. जो जिस नाम से आपको कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता. मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जानते होंगे. That's all. कॉलेज में भी I was famous as pony. My professors used to call me pony. The certificates was with the name of Rashmi Verma, but they used to say, "Arey pony," because she was famous in dance and drama. Okay. So it's a stupid Punjabi name, but I know when I did my first film. तो मुझे डायरेक्टर ने पूछा व्हाट नेम शुड आई पुट, बिकॉज चेक तो रश्मि वर्मा के नाम से गया. सो देन आई थॉट टू माई सेल्फ अ लॉट. फिर मैंने बोला कि बिकॉज मैं स्टेज पर इतने सालों से थी पोनी के नाम और से. सारे एक्टर्स मुझे पोनी के नाम से ही जानते थे. इफ आई कम विद अ नेम लाइक रश्मि वर्मा, देन दे वुड से हू रश्मि, अरे वो पोनी, तो इतना लंबा टाइम क्यों दू. करेक्ट, पोनी वर्मा. सो आई डिसाइडेड दिस नेम. वेल एनीवे पोनी जी, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. एंड जैसा कहते हैं, नाम में क्या रखा है काम बोलता है, और आपका काम वाकई बहुत बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है. एंड हियर्स विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर
future endeavors also. Here's also wishing you a very, very happy married life. And may Sanjay Leela Bhansali's words come true. And ho sakta hai aap ek din aapke husband Prakash Raj film produce kare aur aap na sirf usme choreography kare lekin us film ko direct bhi kare. So wishing you all the very best in life. Thank you so much. Lovely to be on this show.